For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिर चाहे वो टाइगर जिंदा है के लिए हो, रेस 3 के लिए या फिर कंट्रोवर्सी से भरे शो बिग बॉस 11 के लिए। और अब सूत्रों की माने तो अपने साले साहब आयुष शर्मा के लिए भाईजान एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल जब से आयुष ने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया, तब से उनके लॉन्च को लेकर काफी खबरें आई। और अब फाइनली सलमान ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि आयुष शर्मा को वो खुद लॉन्च करेंगे। जी हाँ, सलमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, फीलिंग वेरी हैप्पी टू अनाउंस एसके फिल्म्स ऑफिशियल प्रोडक्शंस का फिफ्थ वेंचर लव रात्रि, इंट्रोड्यूसिंग आयुष शर्मा, डायरेक्टेड बाय अभिराज मीनावाला, मोर डिटेल्स सून। आयुष ने बॉलीवुड में एंट्री के लिए काफी मेहनत की और लगता है फाइनली उन्होंने सलमान को भी इम्प्रेस कर ही दिया। बता दें, इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में शुरू होगी और इसे 2018 में रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। दोस्तों, सलमान खान की फैन फॉलोइंग से तो हम सभी वाकिफ ही हैं। भाईजान के फैन सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं बल्कि विदेश में भी छाए हुए हैं। और इसी फैन फॉलोइंग के साथ सोशल मीडिया पर सलमान खान के कुल 80 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। जी हाँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस को मिलाकर सलमान खान के कुल 80 मिलियन फैंस हैं। जहां ट्विटर पर सलमान के 29 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर 13.4 मिलियन और अगर फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक पर भाईजान के कुल मिलाकर 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं और बाकी बचे गूगल प्लस, जहां भाईजान के लगभग 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स के बाद अब बात करते हैं उनके प्रोफेशनल फ्रंट की, जहां इन दिनों सलमान काफी बिजी चल रहे हैं। टाइगर जिंदा है के प्रमोशंस, रेस 3 की शूटिंग और बिग बॉस के साथ उनके कमिटमेंट के चलते सलमान खान को इन दिनों सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है।